तो आज मैं आपको एक बच्चे से मिलवाने वाला हूँ जो बहुत ही स्मार्ट है लेकिन थोड़ा शरारती है। शरारती इसलिए क्योंकि वो उतना ही करता है जितना आप उसे समझाते हैं, उससे ज्यादा वो खुद अपने हिसाब से कुछ नहीं सुनता। उस बच्चे का नाम है AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाय, मैं हूँ हर्ष और आप हैं learnworm.com की यूट्यूब चैनल पे। ये learnworm.com एक ऐसा पोर्टल है कि जहाँ पे आप कहीं भी कुछ भी अपने समय पे फ्री में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मतलब कि अपनी यूट्यूब चैनल पे आपको आपके करियर रिलेटेड और वर्ल्ड में जितने भी टेक्निकल अपडेट्स आते हैं उसके रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स, करंट अपडेट्स और बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा। सो आप इसे अभी ही सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है वो अभी ही दबाइए। तो चलिए आइए मिलते हैं उस बच्चे से। तो ये जो बच्चा है वो हमारे कई सारे टीडियस काम काफी आसानी से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फोटोशॉप में आपको रेट्रोस्कोपिंग करना हो, इसमें आपको पेन टूल से एक 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 जगह पे बैकग्राउंड निकालना होगा। जैसे कि एक फ्रेम हो गई, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आ गया और उसके ऊपर आपको कुछ लिखना है और उसको मूव भी करवाना है, तो इसमें काफी टाइम जाएगा क्योंकि ये मूव के लिए फ्रेम बाय फ्रेम हमें एडिटिंग करना पड़ेगा। ये अपना AI ये काम काफी आसानी से कर सकता है। पहले में क्या होता है कि अगर मैन्युअली करें तो शायद कहीं पे एकाद पॉइंट रह जाए तो उससे वहां पे वो फाइनल आउटपुट अच्छा नहीं दिखता। AI में इसके चांसेस लगभग 0% हैं। लेकिन इसमें एक और डिफिकल्टी सामने आती है क्योंकि अगर आप कोई एक काम कम करते हो तो दूसरा एक काम बढ़ भी जाता है। ये कौन सा काम बढ़ जाता है वो मैं बाद में बताता हूं, पर फिलहाल ये देखते हैं कि AI का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहां पे होता है। AI का इस्तेमाल सबसे ज्यादा CG यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में होता है। उसका एक एग्जांपल मैं दूं तो जुरासिक पार्क में जितने भी डायनासोर्स आपने देखे हैं वो सारे के सारे CG ने यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स ने बनाए हैं। लेकिन उस वक्त कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत नया था, इसलिए उसमें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर उसमें खर्च हुए थे, बहुत सारे लोगों ने एक साथ काम भी किया था। पर अब ये कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से ये काम 50% नहीं, 100% भी नहीं, 1000 भी नहीं, 2000 भी नहीं, 10,000% कम हो जाता है। और इसकी वजह से और क्या क्या होता है, हम क्या क्या कर सकते हैं कि इससे हम कंप्यूटर ग्राफिक्स वीडियोग्राफी में ऐड कर सकते हैं, म्यूजिक वीडियो में लगा सकते हैं, प्रोडक्ट शूट हो, प्रोडक्ट डिजाइन हो, उसमें भी कर सकते हैं। इवन इसके अलावा, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अलावा, हम इसे वेबसाइट्स में और भी कई कई जगहों पे डेटाबेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर की दुनिया एक ऐसी दुनिया है कि जो कभी सोती नहीं है। अगर आप सो रहे हो तो उसमें भी हर रोज हर दिन कुछ ना कुछ नया ऐड होता जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं NVIDIA कैनवास ऐप। NVIDIA एक कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल होती हुई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है और इसमें AI बेसिक्स में है। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपने इसके कैनवास में ट्राइंगल बनाया तो इसके अंदर जो भी AI इंप्लीमेंट किया गया है वो AI खुद तय करेगा कि ये ट्राइंगल माउंटेन है या पिरामिड, ठीक है, उस हिसाब से वो आगे चेक करता जाएगा। पर हर एक AI एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं कि असली और काफी मुश्किल जॉब है क्रिएट करना। जैसे कि किसी ने AI की शुरुआत की, उस वक्त उन्हें काफी तकलीफें आई होंगी, लेकिन धीरे 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 वो अपडेट होता जा रहा है। यहाँ भी ऐसा ही होगा कि AI को आपको हर बार कुछ नया 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 देना पड़ेगा ताकि वो, अगर आप घोड़ा बनाओ तो बाद में उसे कुत्ता ना बना दे, ठीक है। इतनी, जैसे कि मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है और मैंने वो 555 वाला कुत्ता बनाया, तो वो शायद रियल लाइफ में वो, पता नहीं, वो एलिफेंट भी बना सकता है। ऐसा ना हो, इसलिए आपको AI को हर बार अपडेट करता रहना है और क्रिएट करते रहना है, जिससे कई सारे ऑप्शंस तो खुलेंगे पर ये ऑप्शंस के अंदर जिससे काम करना है वो और भी फन टू डू होगा और मुश्किल भी होगा, जिससे आपको चैलेंजेस हर वक्त मिलती रहेगी। तो अगर आप AI को सब चीज बता देते हो तो AI आपको बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। जैसे कि आपने AI को फोन का एक डेटा दिया, उसकी एक पिक्चर भी दी और उसके अंदर के सारे स्पेसिफिकेशंस दे दिए, उसके यूजर्स के बारे में बता दिया, तो AI क्या करेगा कि उस हिसाब से
यानी कि फोन के डायमेंशन के हिसाब से, उसके स्पेसिफिकेशंस फीचर के हिसाब से, उसकी बैटरी के हिसाब से, उसके इस्तेमाल करने वाले लोगों के हिसाब से, उनके मूड, उनकी पसंदीदा चीज़ें क्या है, रंग क्या है, वो सारी चीज़ों को एक साथ तुरंत ही एनालाइज करके आपको एक नया मॉडल देगा। पर वो सिर्फ सजेस्ट कर सकता है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें करना आ गया तो ये स्मार्ट बच्चा AI आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। लेकिन वो कहता है ना कि कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, उसी तरीके से AI भी 100% परफेक्ट नहीं है। आपको उसे हर बार डेटा देना पड़ेगा, उसे अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, एकदम अपनी गर्लफ्रेंड की तरह उसे ट्रीट करो और वो भी आपको उतनी ही अच्छी तरह से सामने ट्रीट करेगा। तो अगर आपको AI सीखना हो, AI में अपना करियर बनाना हो, कंप्यूटर ग्राफिक्स में बनाना हो, तो आपको इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है? जहाँ तक मैंने जितना भी इस रिसर्च किया है उस हिसाब से, आप अगर पाइथन से शुरू करो या फिर मशीन लर्निंग से शुरू करो या डीप लर्निंग से शुरू करो तो आप AI में एंटर हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एंट्री पॉइंट्स है, उसके बाद भी बहुत कुछ आता है। पर अगर आपको शुरू करना है तो उसके लिए आपको किसी भी तरह की तकलीफ लेने की या फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए है learnworn.com के, जहाँ पे आप कहीं भी कुछ भी अपने समय पर पढ़ सकते हैं। जैसे कि पाइथन आपको पढ़ना है तो आप वहां पे पढ़ सकते हैं और पाइथन का पूरा कोर्स, बेसिक से लेके एडवांस तक का पूरा कोर्स खत्म करने के बाद आप NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का स्किल इंडिया सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं, जो इंटरव्यू के दौरान आपके CV को काफी अपग्रेड करेगा। तो आज ही से शुरू कीजिए AI एंड मशीन लर्निंग और अपना करियर एक नई ऊंचाइयों तक ले जाइए।